तो फ्रेंड्स, अगर इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को डायरेक्ट इस बैटरी से चलाएंगे तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल 110% खराब हो जाएगा। वहीं अगर इस बैटरी के बदले में इस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे फिर भी ये ब्लूटूथ मॉड्यूल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लूटूथ मॉड्यूल 5 वोल्ट से वर्क करता है, उससे ज्यादा वोल्ट देंगे तो ये खराब हो जाएगा। और वहीं पर सिर्फ ये ट्रांसमीटर लगा देंगे तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल बहुत ही आसानी से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 वोल्ट का आप ब्लूटूथ मॉड्यूल देख रहे हो, इसे चलाने के लिए हमें एक ट्रांसमीटर लेना पड़ेगा। इसका वैल्यू है 78.05। ये एक 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। इसका यूज करके आप 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट को आप 5 वोल्ट में बदल सकते हो। इस आईसी का यूज ज्यादातर एम्पलीफायर पर होता है और होम थिएटर पर तो होता ही है। और फ्रेंड्स, आज इस ट्रांसिस्टर का कनेक्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे, और आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। इसको कनेक्शन करने के लिए हमें 4 वायर की जरूरत होगा। आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे क्योंकि इसका कनेक्शन एकदम सिंपल है। ये जो ट्रांसिस्टर है इसका बेस वाला है ग्राउंड और दोनों साइड है पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, पहले मैं 2 ब्लैक वायर ले लिया और इसे एक साथ मोड़ लेंगे और इसे इस ट्रांसिस्टर का 20 वाला लेग पर लगा देंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा एक जगह से ही होगा। और फ्रेंड्स, इस ट्रांसिस्टर को आप हीट सिंक के बिना भी चला सकते हो। यहाँ पर मैं सेफ्टी के लिए हीट सिंक लगा लिया क्योंकि हीट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, दोनों साइड 2 रेड वायर लगा लेते हैं। ये दोनों, एक होगा आउटपुट, इस साइड वाला होगा आउटपुट और इस साइड वाला होगा इनपुट। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हम वायर जोड़ लिया। ट्रांसिस्टर का जो 20 वाला लेग है वहां पर हम 2 वायर जोड़ लिया। ये दोनों होगा ग्राउंड और ये दोनों साइड पर 2 रेड वायर जोड़ लिया। एक ग्राउंड वायर लेंगे और एक इस साइड का रेड वायर लेंगे, ये होगा आउटपुट। और 20 वाला एक ग्राउंड वायर लेंगे और इस साइड का एक रेड वायर लेंगे, ये होगा इनपुट। ऐसे 12 वोल्ट इनपुट होगा और इस साइड से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चेक करने के लिए ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है इसे यूज करने वाला हूँ। पहले मैं इस बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मल्टीमीटर पर 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर इनपुट लगा देता हूँ बैटरी से। अब इनपुट ट्रांसफार्मर से भी दे सकते हो। और इसका अब आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आप 10 वोल्ट दो या फिर 15 वोल्ट दो या फिर 20 वोल्ट दो, लेकिन यहाँ से 5 वोल्ट ही निकलेगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट 5 वोल्ट निकल गया। और फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चला रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल बहुत ही आसानी से चल गया क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया कि 8.05 जो आईसी है उसका यूज करके कैसे 5 वोल्ट निकाला जाता है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।